रुक क्यों गई? बजाओ बजाओ बजाओ। अरे अच्छा लगता है। तुम फिर यहाँ आ गए? हाय क्या करूँ मेरी जाने जिगर, तेरे संगीत की चाह जो मुझे यहाँ तक खींच लाती है। आज तो मैं भी सितार को बजाऊंगा, जिस पर उंगलियां रखते ही सैकड़ों सुर साथ बज उठते हैं। इन तारों को गलत छूने से उंगलियां कट जाती हैं। जिस सांस को मैं बजा नहीं पाता उसे तोड़ देता हूँ। बहुत हो गया शास्त्रीय संगीत, अब हम इसे रैप सुनाएंगे। रैप देख कौन आज सारी शक्ति के सामने नंगा नाच कर रहा है। अरे भाभी के घर जोड़ता हूं तेरे। इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे? आइंदा नहीं छूंगा, अभी नहीं छूंगा। शरीफ लोगों के साथ गुंडागर्दी करता है। अरेस्ट हिम। अरेस्ट
मनी साहब, मैंने उस लड़के को पकड़ के रखा है जिसने आपके भाई पर हाथ उठाया था। उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसकी लाश मुझे दिखा देता ना, तो उसके वजन जितना सोना तेरी घरवाली के बदन पे सजा देता मैं। कहाँ है वो? लॉकअप में। लॉकअप कॉल। बहुत गर्मी है तेरे खून में आ। मेरी गर्मी का नमूना तेरा भाई देख चुका है, हाथ बंधे हैं वरना तेरी सेवा भी जरूर करता। हरामजादे, वो छिनाल तेरी कौन लगती है? कौन लगती है तेरी वो नखेलिया बहन, जिसके लिए तूने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई हाथ में तूने भवन 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 के। ये पुलिस स्टेशन है भवानी सिंह, तेरी रखेल का घर नहीं, जहां तू मनमानी कर सके। तू नहीं जानता एसीपी, इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, भवानी के भाई पर। निहायत बेवकूफ हो तुम, जिसे लातों से मारना चाहिए था उसे हाथों से क्यों मारा? ऐसे भी चिल्लाओ मत। शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे हाथ तोड़ सकता हूं। यह ख्वाब तू बहुत दिनों से देख रहा है शिवचरण, लेकिन अभी तक तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। खाकी और खादी में बहुत फर्क होता है, तुम सिर्फ जुबान चलाना जानते हो और हम हथियार। बहुत जल्द तुम मेरे निशाने पे आने वाले हो। गोलियां बर्बाद करेगा तू। बुलेट प्रूफ जैकेट सरकार सिर्फ मंत्रियों को देती है, पुलिस अफसरों को नहीं। नहीं जीत सकता तू मुझसे, नहीं जीत सकता, क्योंकि कानून की जंग जज्बात के बारूद से नहीं, सबूतों के हथियार से लड़ी जाती है शिवचरण। तुम्हारी हर छोटी से छोटी हरकत और बड़े से बड़े गुनाह की फाइल तैयार कर ली है मैंने, और बहुत जल्द वो फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पेश करने वाला हूं। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से बुलेट प्रूफ जैकेट तो क्या, तुम्हारी खाल तक उतार ली जाएगी। जिस दरख्त की जड़ में सांप का बिल हो, परिंदे उसकी शाखों पर घोंसला नहीं बनाते एसीपी। ये दुख तो मेरा मुखद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुखद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुखद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो, जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों देखो, एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? तमाशा तो तू बना रही है कलमूही। अरे शर्म के गहने तो तूने बहुत पहले उतार दिए थे, इस शरीर पे जो दो चार कपड़े बचे हैं ना, इन्हें भी उतार दे, ताकि ये तेरी जवानी की ज्वाला को शांत कर सके। ये कैसा बात करता है मेंटू, और ये किसका इज्जत उतारता है? ये तुम्हारा ननंद है, बेटी का माफी। अरे बेटी होती ना तो सबका गला घोट देती जन्म जली का। गॉड का वास्ते चुप हो जाओ तुम। अरे क्यों चुप हो जाऊं, मैं तो छाती ठोक कर कहूंगी ये सब तुम्हारा किया धरा है मिस्टर डेविड। और रखो इस गुंडे मवाली को अपने घर में, जो दूसरों की बहू बेटियों को बदकार बनाए। अरे तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो ना मियां है ना बेटा ना बेटी, तुम्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से। धंधा है ये तुम्हारा धंधा। क्या बोला तुम? हम एक पेइंग गेस्ट का रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा तो थैंक्स बोलो, बोलो थैंक्स हमारा इस धंधा को। हाँ। थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को, जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज किधर में मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इस पे। ये सब सुनने से पहले मर के रहेगी। Thank you.
पागल हो गई हो तुम? आत्महत्या करना बुजदिली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया है इसने? किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं इसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। एसीबी साहब, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीबी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब गा रहा है, एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सकी, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है सर? कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ, सदा सुखी रहो। सर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। में तो हो देवा, तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है, अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। केस क्या है, क्या किया तुम लोगों ने? एक आदमी का खून।
लाल सिंह से पंगा लेके तूने अच्छा नहीं किया। कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! अरे चिल्ला क्या रहा है? वो भी इसके सामने? इसकी आंखों की पट्टी खोल देना तो सबसे पहले यही भागे यहां से। कोई है? अरे जब 9 से 5 यहां कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? ये पांच बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। तेरे साथ बात करनी है। तुम देख नहीं रहे कि यहां एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा देखो तुम। मैं तुझे मारने नहीं आया लाल। ये काम मुन्ना या मनी कोई भी कर सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? लाल सिंह तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। यह कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह। आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर। तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। ले साइन कर। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। रास्कल, लकी रास्कल, बच्चा साला, कैसे, कैसे? सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे
उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह थैंक यू। Chief Minister. गाड़ी में कौन कौन थे? हम पांच लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी? करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो, ये तुम्हारा शहर नहीं, मुंबई है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को, इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आज़ादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर? एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहाँ है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीबियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीबियां ढूंढें। पंजाब के पुत्र, तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सके। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर? अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए,
चंद दिनों में मैं कावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके?